लखनऊ गैंग के मोंटेसरी बूथ पर सीनियर सिटीजन से बात किया संवाददाता अमितेश मिश्रा ने। तीसरे चरण के चुनाव में बड़े पैमाने पर जो वोटर्स हैं वो अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, और यही वजह है कि बुजुर्गों की बात करें तो महिलाओं की बात करें या फिर नौजवानों की बात करें, संख्या ज्यादा है और हर कोई अपना वोट देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मुद्दों की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। आप बताइए कि आपने वोट दिया है, मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दा रहा आपका, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? देखिए, ऐसा है कि विकास के नाम पर तो वोट देना एक बड़ी मूल बात थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए वोट का प्रयोग भी किया गया है। एक जमाना था कि हमारा कंट्री कितना पिछड़ा हुआ था, और पिछड़ा हुआ कंट्री था। अब हम वर्ल्ड के, विश्व के 10 उन कंट्रीज में जिसमें 7.6 ग्रोथ रेट या 8 के करीब माना जाता है, कभी चाइना आगे तो कभी इंडिया आगे, कभी अमेरिका आगे, कभी फ्रांस आगे, तो वी आर इन दिस रेस। और इस रेस में हम लोग कभी आए हैं जब हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसने अच्छा काम किया है, तो विकास के लिए हम लोग बात समझना पड़ेगी। हमारा प्रदेश का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, और विकास में हम लोग बढ़ते चले। सेफ्टी की सुरक्षा की बात भी हमने करी, वो भी अच्छी जगह है। सुरक्षा जब तक नहीं होगा विकास भी नहीं होगा। ऐसे तो मूल बातें और भी मिल जाएंगी, मगर उसमें ये मुद्दा शामिल है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। मैं मानती हूँ कि सबसे पहले ये कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी करते हैं, अगर आप स्टेशन जा रहे हैं तो आप ऑटो से जाते हैं तो आपको उंगली पकड़ उतार देंगे, आपको आगे जाना पैदल, ये इनको देखना चाहिए। कम से सीनियर सिटीजन पे इतना ध्यान, और कहीं भी जाइए हिंदुस्तान में कोई सीनियर, कहते हैं सब लोग बंद तक करता कोई, ये हमने बहुत देखा है। जो विकास कराएगा उसे ही वोट मिलेगा, कुल लगभग हुआ यही है ना। मैं सुरक्षा और कानून पर, कानून सही रहे, सुरक्षा हो, कहीं भी आप निकलिए। इस बार राजधानी लखनऊ की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो वोटर्स हैं जिनकी संख्या, युवाओं की संख्या ज्यादा है, हालांकि हर वर्ग के जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन के अलावा कई संगठनों ने आप लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज ऑन इंडिया, लखनऊ। सैफई में महिला मतदाताओं से बातचीत की हमारे